सब खुश हो गए, मतलब मेरे गाने गानों के साथ उन्होंने बड़ा जस्टिस किया, बड़ा इंसाफ किया, इतने अच्छे गाए, बहुत खुश हैं। शाम को आते थे शकीर अब साहिर साहब, कहने लगे भाई मैंने एक मुखड़ा लिखा था। मैंने क्या था? बोले देश में इतने झंडे क्यों हैं, देश में इतने झंडे क्यों हैं और सब झंडों में डंडे क्यों हैं, देश में इतने झंडे क्यों हैं और सब झंडों में डंडे क्यों हैं, जनता इतनी पतली सूखी, लीडर ये मस्टंडे क्यों हैं। साहिर साहब भी बड़े बड़े कमाल के थे, उन्होंने गाना लिखा था नीलकमल में, क्या सटायर था, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। कहते बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल, हमने इस दुनिया के दिल में झांका है 100 बार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। कहने लगे भरे थे तब बंगलों में ठहरे, जब खाली जब डब्बा बोतल भरे रहते हैं तो कैसे लोग अलमारियों में बंद करके रखते हैं, कि भरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुंचे, महलों की खुशियों के पाले फुटपाथों के गम तक पहुंचे। इन शरणार्थियों के सर पर जो अपना घर बार छोड़कर फुटपाथ पर आ गए हैं, इन शरणार्थियों के सर पर दे दे थोड़ा प्यार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। आखिरी शेर में साहिर साहब ने एक लंबी कहानी शुरू की, कहते हैं खाली की गारंटी दूंगा, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, शायद में गुड़ के मेल का डर है। देखिए कहानी क्या लंबी कहानी लिस्ट बनाई उन्होंने, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, शहद में गुड़ के मेल का डर है, घी के अंदर तेल का डर है, तंबाकू में घास का खतरा, सेंट में झूठी बांस का खतरा, मक्खन में चर्बी की मिलावट, केसर में कागज की खिलावट, मिर्ची में ईंटों की घिसाई, आटे में पत्थर की पिसाई, विस्की अंदर टिंचर घुलता, रबड़ी बीच बिलोटिंग तुलता, क्या जाने किस चीज में क्या हो, गर्म मसाला लीद भरा हो, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, क्यों दुविधा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पैकेट खोल दे आंटी, छान पीस कर खुद भर लेना, जो कुछ हो दरकार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। हमारे साथ जो कहानियाँ जो किस्से होते हैं वो मैं एक किस्सा और सुनाऊंगा। नागिन फिल्म में मैंने बहुत काम किया, नागिन फिल्म की बीन मैंने बनाई, मैंने हारमोनियम पर बजाई, जितने आपने अगर नागिन फिल्म देखी है तो देखे होंगे, देखा होगा आपने कि जंगली लोग गाने गाते हैं, जैसे जजवला कोमल होया, जजवला कोमल होया, ओ जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला, जजवला। ये वर्ड रंज किशन साहब ने इनकार कर दिया, मैं नहीं लिख सकता भाई ये क्या जंगली उंगली के गाने, मैंने सारे वर्ड लिखे। उसमें एक चीज राज की मैं बताना चाहूंगा, हेमंत दा ने मुझे कहा, मैं एक तो दो चीजें हैं, एक मैंने पंजाबी गाना दिया इसमें, ढोल बज दे मेहंदी वाले हाथ सुन सोने लग दे, बाजार बिकां दियां ककड़ी के मैं सुख सुख हो गया, लकड़ी के तेरा गुण खाए जानी, साड़ी गली विच आई तेरी मेहरबानी, याद रखना प्यार की निशानी होगी याद रखना। ये गाना पंजाबी धुन पर हमने बनाया। और दूसरा गाना एक बड़ा जो मैं मिसाल देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जो राज आज तक किसी को नहीं मालूम। एक तो यही राज है कि जब गाना नागिन में पॉपुलर हुआ, मन डोले मेरा तन डोले, उसमें था ये
मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बांसुरिया। आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि बांसुरी नहीं, वहां तो बीन बजा रहा था वो, लेकिन क्योंकि म्यूजिकल वर्ड था मैंने कहा नहीं इसको चेंज मत करिए, बांसुरी रखिए क्योंकि बांसुरी म्यूजिकल वर्ड है। तो वो बांसुरी रहा लेकिन बीन पूरी पिक्चर में बीन बजी, और आज तक किसी ने ये एतराज नहीं किया कि ये बांस। अब हमने ट्राई भी किया कौन बजाए पूरी, अच्छा नहीं लगता था, कौन बजाए बीन कोई भी अच्छा नहीं लगा। तो बांसुरी वर्ड क्योंकि म्यूजिकल था इसलिए वो रखा। एक बात जो सबसे बड़ी राज की मैं बताना चाहूँगा कि उस जमाने में हेमंत दा ने कहा मुझे, कहें रवि एक बड़ा गाना पॉपुलर हुआ है काजी नजरुल इस्लाम, बड़े अच्छे पोएट हैं बंगाल के, उनकी एक धुन है और गाना है अल्लाह मेघ दे पानी दे नन्ना दे रे तू अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे। बड़े फोक सॉन्ग बड़ा पॉपुलर था बंगाल का। तो बोले हम ये धुन ले लेते हैं। मैंने कहा दादा धुन चुराएंगे नहीं, हम इससे इंस्पिरेशन लेके गाना बनाएंगे। तो मैंने जो गाना बनाया आज तक किसी को नहीं मालूम। लोगों ने इसको क्या किया, हमें प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार। मैंने क्या किया, सैया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, कैसे छोड़ू रे बलमुआ नैनुआ की डोर छोड़ दे, सैया छोड़ दे पतंग। उसी धुन से इंस्पायर्ड है लेकिन कॉपी नहीं है। हमने हमेशा कोशिश की कि हम कॉपी ना करें और किसी भी धुन से इंस्पायर होकर वो उसकी दूसरी धुन बनाएं। मैं जो नागिन की बीन थी बहुत देर से फरमाइश है कि मैं वो बजा के बताऊं।
मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, तो 10 मिनट या 5 मिनट इंटरवल देंगे, उसके पहले एक ही सवाल पूछूंगा उनको। मेरे किताब में मैंने लिखा है कि कवि प्रदीप जी कहा करते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये गाना रवि साहब ने कंपोज किया था, सच क्या है उनके मुंह से सुनना चाहूंगा। प्रदीप जी ने गाना लिखा था और सच ये है कि प्रदीप जी ने और मैंने दोनों ने मिलकर धुन बनाई, क्योंकि प्रदीप जी का स्टाइल था वो गाकर लिखते थे, और उनके गाने जितने भी आप देखेंगे जो उन्होंने लिखे हैं ज़्यादातर धुनें उनकी हैं, और बहुत ही मैं देख रहा था उनका गाना लिख कर लाए तो मैंने देखा 3-4 पेज थे और छोटा छोटा लिखा हुआ। मैंने कहा इतना, बोले नहीं कौन सा अच्छा लग जाए क्या है, तो उसको ऑल्टरनेट अंतरे लिखते थे, बहुत लिखते थे वो। तो ये जो जागृति फिल्म, मैंने हेमंदा के साथ शर्त, बात फिर वहीं आ गई कि शर्त फिल्म शर्त में आनंद मठ में मेरी उनकी मुलाकात हुई थी हेमंत कुमार साहब से, मतलब मेरी, और आनंद मठ के बाद मैं उनका असिस्टेंट बना। शर्त, सम्राट, नागिन, चंपाकली, दुर्गेश नंदिनी, जागृति, सारी पिक्चर में मैं उनका असिस्टेंट था। एक दिन गाना शर्त का रिकॉर्ड हो रहा था, नए चांद होगा ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, तो वो एक जो क्लेवलिन बजाने वाली लेडी थी वो नहीं आई। तो हेमंदा कहने लगे वो गाना कैंसिल करते हैं, वो नहीं आई है। तो मैं कहने लगा दादा कैंसिल नहीं करते, मैं बजाऊंगा उसको। तो मैंने वो उसका जो म्यूजिक आप कभी गाना सुने तो उसमें ये म्यूजिक मेरे बजाया हुआ। चाह रहा था कि ये म्यूजिक मेरा था, मैं 5 मिनट का लेंगे।